सड़कें और उस बारिश की हरियाली थी मछरड़ियाँ। अब ये मछरड़ियाँ क्या हैं? ये मर्सिडीज की बस को, मर्सिडीज के ट्रक को मछरड़ियाँ बोलते थे राजस्थान में। तो ये बड़ा अच्छा है, ये मर्सिडीज, हम लोग जब मर्सिडीज बोलते हैं तो कई लोग कहते हैं मर्सिडीज बोलिए, आप मर्सिडीज सही नहीं बोलते हैं। तो ये मर्सिडीज को भी मछरड़ियाँ बना के बहुत अच्छा किया राजस्थान वालों ने। तो सुमेर लिखते हैं कि रेत के बीच बारिश की तरह आई लंबी काली सड़कें और उस बारिश की हरियाली थी मछरड़ियाँ। उन दिनों के बीत जाने और सड़कों के चौड़ी हो जाने के बाद भी बंजारे सोचते थे कि उनके पास एक मछरड़ी हो जिसके दोनों तरफ दरवाजों के पास खूब रंग बिरंगे लुम्बे बंधे। लुम्बे क्या हुआ? जो चीज़ें लटकती रहती हैं सजावट की, हाँ, लुम्बे बंधे हों, अंदर टेप के पास रखे हों पद्मा राम के भजनों के कैसे। अब सोचिए, हम लोग पद्मा राम के भजन के बारे में नहीं जानते, हम लोग शारदा सिन्हा के भजनों को ही समझते रह गए, उनके गानों को ही समझते रह गए, हरिओम शरण के ही भजनों को ही समझते रहे, लेकिन पद्मा राम कितने लोकप्रिय भजन गायक हुए तो आपकी वजह से मुझे ये पता चला। गर्मी की शामों को धूप दिए के टेम टेरे लौटते हुए बजाते हुए आगे कर रही है। नहीं, कितना बढ़िया लगा ना। तो आप सब, सुमेर थोड़े शर्मिले स्वभाव के हैं और उन्हें लगता है कि जब लिख दिया है इतना सारा तो बोलना कम चाहिए। हम लोग टीवी वाले हैं तो कम लिखते हैं, ज़्यादा बोल देते हैं, तो इसलिए इनके बिहाव पर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। सुदीप्ति ने बोला, नेहा ने पढ़ा और पढ़ने वाली है नेहा अभी और पढ़ेगी, लेकिन हम सब एक ही भाव से यहाँ आए हैं, इसलिए नहीं कि सुमेर मित्र हैं, इसलिए कि इनकी ये पहली किताब। तो जब मेरी पहली किताब आई थी ऐसे ही बहुत सारे दोस्त बहुत उत्साह के साथ आए थे कि चलो चलो चलते हैं, इसकी पहली किताब आई, तो हम लोग भी इसी उत्साह के साथ आए हैं। तो उम्मीद है ये किताब यहाँ ख़त्म हो गई होगी, वरना अलीन कह रहे हैं कि मुझे ही बाकी लेके जाना पड़ेगा, तो प्लीज़ मेरा, मुझे दूसरी किताबें खरीदनी है। आपकी ख़त्म हो गई है यहाँ, ख़त्म हो गई, 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद और किताबें आ जाएंगी, तो प्लीज़ लेकर जाइए। तो नेहा आप पढ़ना चाहती है, तो मैं नेहा को माइक दे रहा हूँ। सॉरी, ये थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में व्यवधान